की स्टार्टिंग होने वाली है। बंगाल में सिर्फ सुंदरबन पे ही उन्होंने अपना ये बंगलो बनाया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं उस प्लेस पर हूँ जिसके बारे में हम बचपन से ही अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं। जी हाँ, आज मैं हूँ सुंदरवन। अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हम इस प्लेस पर आए हैं और ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फेमस होने की वजह बहुत सारी हैं, जिसमें से मेन है यहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड सेकंड वन यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघमा रिवर्स मिलकर बनाती है। तो आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने को मिलेंगी। आप इस प्लेस पर कैसे आ सकते हैं और यहाँ आकर आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी इन माय ब्लॉग। तो आप इसको पूरा देखिएगा। तो अपने इस ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले इस क्लिप को देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आप इस प्लेस पर कैसे आ सकते हैं। इंडिया और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरवन बनता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर है ये खूबसूरत प्लेस सुंदरवन। एंड आई एम श्योर जब आप इस वीडियो को आगे तक पूरा देख लेंगे तो आप भी इस प्लेस को जरूर विजिट करना चाहेंगे। यहाँ आने के लिए आपको बोट की ज़रूरत होगी और इसके अलावा अकोमोडेशन के लिए, खाने पीने, अदर एक्टिविटीज़ और घूमने फिरने के लिए आपको ट्रैवल एजेंसी से बात करनी होगी, जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता चल जाएगा। और इसके अलावा आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है तो यहाँ आने के लिए आपको कोलकाता आना होगा। अगर आप कोलकाता बाय एयर आना चाहते हैं तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर आगे का रास्ता आप ट्रेन, टैक्सी या बस से तय कर सकते हैं। और अगर आप कोलकाता ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप हावड़ा और सियालदा स्टेशन आ सकते हैं, लेकिन सियालदा का ऑप्शन बेस्ट माना जाता है क्योंकि सियालदा से कैनिंग की सीधी ट्रेन चलती है और कैनिंग ही वो स्टेशन है जहां से आपका टूरिज्म एजेंट आपको पिकअप करके सोनाखली ले जाता है और वहां से आपकी बोट जर्नी शुरू हो जाती है। सुंदरबन में आप कहां कहां क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करेंगे ये आपके पैकेज पर डिपेंड करता है। जैसा कि हमने 3 डेज और 2 नाइट्स का पैकेज लिया था तो हमने अपने इस पैकेज में क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की वो आपको इस ब्लॉग के आगे पता चलेगा। एट प्रेजेंट वी आर लिविंग एट बैरकपुर इन कोलकाता। तो हमने अपनी अपनी जर्नी बैरकपुर से ही शुरू की, अपनी अपनी गाड़ियों से हमने ये जर्नी शुरू की। हमारे साथ 6 फैमिलीज और थी। अर्ली मॉर्निंग की इंटेंस ठंड और इस फॉगी एनवायरनमेंट के बावजूद हमने अपनी जर्नी 6 o'clock शुरू की। हमारे टूरिज्म एजेंट ने हमें गदखली आने को कहा जो सोनाखली से भी 10 किलोमीटर आगे है, तो हम गदखली पहुंचे। गदखली में इस जगह पर हमने अपनी अपनी कारें पार्क की 4 व्हीलर के लिए। यहाँ पर हमने 150 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पे किया। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। बाकी आपकी गाड़ियों को पार्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके टूरिज्म एजेंट की होती है। अकॉर्डिंग टू द पैकेज आपको पिकअप पॉइंट पर सुबह 10 o'clock पहुँच जाना चाहिए, लेकिन हम ख़राब वेदर की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे। जर्नी इन योर टूर एंड ट्रैवल। श्री गणेशाय नमः। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड गणेशा। श्री गणेशाय नमः। बोर्डिंग के बाद टूरिज्म एजेंट ने हमें ब्रेकफास्ट कराया। ब्रेकफास्ट ये सब बोर्ड पर ही बनाया जाता है। जैसा कि हमने 3 डेज एंड 2 नाइट्स का पैकेज लिया था तो इसी में हमारा रहना, खाना पीना सब कुछ इंक्लूड था। इस बार हम भी दिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये आप जिंदगी भर इस ब्लॉग में दिखोगे। आपकी आपकी कैट भी दिखेगी।
अकॉर्डिंग हमें जो प्लेसेस फर्स्ट डे एक्सप्लोर करने चाहिए थे वो हमने नहीं किए। एक्चुअली हमने थर्ड डे वाले प्लेसेस फर्स्ट डे एक्सप्लोर किए, जिसमें से सबसे पहले हमने नेति धुपानी देखा, पंचमुखानी। पंचमुखानी वो प्लेस है जहाँ पर पांच नदियाँ आकर मिलती हैं। एंड थर्ड वन दोबाकी। दोबाकी में एक सुंदर सा आइलैंड था, हम वहाँ पर गए। वहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा दलदली थी, जिस पर चलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हम चले और काफ़ी अच्छी पिक्चर्स वहाँ पर हमने क्लिक की। और ये जो प्लेस था, ये जो आइलैंड था, ये हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। इस ब्यूटीफुल से प्लेस पर बोट काफ़ी समय के लिए रुकी, यहीं पर हमने अपना लंच भी किया। लंच करने के बाद हमने अपना फ़ोटो सेशन किया, काफ़ी सारी पिक्स ली, वीडियोस बनाई। ये प्लेस लिटरली बहुत ही अमेजिंग था। जैसे ही शाम होनी शुरू हुई, हम सब ने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ रुख किया। यही वो प्लेस था जहाँ पर हम सबके होटल बुक थे, झारखली। झारखली में स्वाभूमि नाम से होटल बुक थे, वहीं पर हमें नाइट स्टे करना था। सुंदरबन में शाम को 5 बजे के बाद बोट में रहना अलाउड नहीं है। एजेंट ने हमें ऑटो से स्वाभूमि होटल तक पहुँचाया। स्वभूमि इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल इन सुंदरबन। सुंदरबन में आपको लग्जीरियस होटल्स और रिजॉर्ट नहीं मिलेंगे, वहाँ पर बहुत ही नॉर्मल होटल्स आपको मिलेंगे। नाउ इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। सेकेंड डे का सबसे पहला विजिटिंग पॉइंट था सुंदरबन वाइल्ड एनिमल पार्क। हम यहाँ पर गए, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिले। ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया टाइगर के लिए रेस्क्यू सेंटर है। जैसे हम लोगों का ओल्ड एज होम है ना, हाँ जी, टाइगर का भी है। अच्छा, देखने का स्पेशल। तो ओल्ड एज होम हमने देखा यहाँ पर, टाइगर का ओल्ड एज होम हाँ। रेस्क्यू किया जहाँ ओके बीमार होता है ना उसको, वो झारखाली में जो देखा ना, वो टाइगर का रेस्क्यू सेंटर। अच्छा, झारखाली में। अच्छा अच्छा, वो हॉस्पिटल है ना। ओके, वो तो सबका है लेकिन बाप का नहीं है ना, एनिमल के तो नहीं है वो, एनिमल के लिए, एनिमल के लिए और स्पेशली टाइगर के लिए। स्पेशली टाइगर और हिरन, हाँ जी हिरन तो है, क्रोकोडाइल भी, क्रोकोडाइल भी। वाइल्ड पार्क देखने के बाद हम बाहर आए। ये कैसा फ्रूट है? अरे अरे, यही मिलता है क्या? ये कैसा फ्रूट है, क्या बोलते हैं इसको? बादाम। क्या बोलते हैं भैया? बादाम, बादाम, मक्स बादाम। बादाम। ये तीखा वो मसाला बनाते हैं, थोड़ा तीखा स्पाइसी सा ना। क्या होता है ये? नहीं, मैंने इसे तोड़ेंगे, इसमें से वो मसाला निकलेगा, उससे कूट के वो बनाएंगे। शॉपिंग करने के बाद हम बोट पर आए, और बोट पर आने के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट। मैम, ये ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनाया है? ये आलू दम लुची, आलू दम, दम आलू, एंड इसे क्या है, पूरी लुची बोलते हैं, लुची बोलते हैं बंगाली में, बता रही हूँ ना मैं, लुची आलू दम चटनी। थैंक यू सर। ये आपने क्या बना के पिलाया हमें? ये कॉफी और चाय। क्या मिला ये बनकर?
मिला के बोला है चाफी बोला है। अच्छा क्या चाफी और चाय का मिश्रण चाफी चाफा क्या वर्ड प्ले किया है। वेरी गुड। नेशनल नेशनल बेवरेज। कितना बड़ा है हमारी बोट हिल रही है। अभी हम जा रहे हैं फॉरेस्ट एरिया। इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ है ना। ओह गॉड प्रोटेक्शन के लिए रेलिंग। हाँ तो वैसे ही क्रोकोडाइल वगैरह भी आ जाते हैं ना उस साइड से, इस साइड भी आ जाते हैं। मजा आता है, थोड़ा पानी रहता है यहाँ पे। चलो नामो दोनों नामो क्या है बेटा यहाँ पे कहाँ? मीठा पानी है इसके अंदर। क्रोकोडाइल नहीं है, हिरन एक साथ में मीठा पानी। ये हिरन के लिए मीठा पानी है पीने के लिए। गांधी बता रही है ना। और हिरन दोनों आके ये पानी एक साथ में। वाओ वाओ अरे नहीं वो तो कैंप से आने के बाद बच्चों ने प्ले किया जंगल सफारी ऑन बोर्ड। आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। एक एक करके एक दिन आएगा एक जानवर और मैं फिर उसे भी खाऊंगा। तो आज तो अपने ये सही रहेगा। हम लोग लंबे समय तक जी नहीं सकते और आपकी हमेशा भूख भी मिट जाएगी। चलो अब हम चलते हैं। बोलो महाराज मैं आ गया। बहुत पेट भर गया आज का तो मेरा हो गया। खरगोश अब तुम जाओगे। ये क्या मेरे को एक तो इतनी भूख लगी है और एक इतने छोटे से खरगोश को ले जाए। इस खरगोश से मेरा क्या होगा। क्या दूसरा लायन मेरे होते हुए एक और लायन इस जंगल में क्या कर रहा है। मेरे को ले चलो उस लायन के पास।
सुंदरबन के मार्केट से हमने ऑर्गेनिक हनी खरीदा। आप जब भी सुंदरबन आए तो आप भी ये हनी खरीद सकते हैं। तुम सब्जी से नहीं खा रही हो, चटनी से खा रही हो? A few moments later. अपनी ट्रिप के लास्ट डे हमने विजिट किया सबसे पहले हैमिल्टन बंगलो। दिस इज हैमिल्टन बंगलो। ये सर डैनियल हैमिल्टन के द्वारा बनाया गया था और यहाँ के लोकल लोग यही मानते हैं कि ये पूरा प्लेस उन्होंने ही क्रिएट किया। उन्होंने वेस्ट बंगाल में सिर्फ सुंदरबन पे ही उन्होंने अपना ये बंगलो बनाया। ओके, सुंदरबन उन्हें पसंद आया इसलिए उन्होंने यहाँ बंगलो बनाया। गोसावा में हमने सेकेंड नंबर पर विजिट किया बेकॉन बंगलो, जहाँ पर 5 रुपीज की टिकट थी। हाँ जी, हैमिल्टन से हम रविंद्रनाथ टैगोर दोनों का मीटिंग इधर ही होता था। ओके, तो उनके लिए इन्होंने इधर बंगलो बना दिया लिखने के लिए। अच्छा, लिखने के लिए कि वो अच्छे राइटर थे। राइटर है ना, तो उनके लिए एक कमरा बना दिया रहने के लिए। हैमिल्टन का बंगलो उधर। ओके, ऐसा माना जाता है 1932 में सर डैनियल ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गोसाबा की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी एक फेमस आइकॉन थे और इस प्लेस पर आते तो इस प्लेस की पॉपुलैरिटी जरूर बढ़ती। और ऐसा हुआ भी, जिससे खुश होकर सर हैमिल्टन ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये बंगलो गिफ्ट किया। चलो, यहाँ से हम कर रहे हैं अब अपना वाइंड अप। ये ट्रिप हुआ ओवर। कैसा लगा? अच्छा लगा। वो कैसा लगा 3 डेज पानी में रहकर? ये ट्रिप कैसा रहा आपका? पहली बार किया, एकदम नया ट्रिप, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पहाड़ गया, समुद्र गया, नदी में पानी में 2 दिन 2 रात। बोरियत तो नहीं हुई? हाँ, बोरिंग तो नहीं था एकदम ना। खाना पीना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग को एक साथ मिलके जाते हैं। सबसे अच्छा था कि हम सब मिलकर गए और काफी, मतलब उससे काफी अच्छा हो गया पूरा ट्रिप ना। आपको कैसा लगा? भालो कैसा लगा? आप तो बंगाली ही हो और आपको, आप आए थे यहाँ पर पहले कभी? नहीं, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए, फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका भी। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा है। और खाना भी अच्छा है। हाँ, खाना भी सही लगा है ना। नया कुछ देखने को मिला। हाँ जी, ट्रिप ओवर होता है और बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये ट्रिप था। बहुत मज़ा आया। न्यू ईयर की स्टार्टिंग बहुत अच्छी रही। आप भी आ सकते हैं यहाँ पर और जैसे कि 3 डेज अगर हम कहीं स्पेंड करते हैं तो हमें काफ़ी टायर्डनेस हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि बोट में बैठकर हमें सारा एक्सप्लोर करना था तो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको बोट में बैठकर ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, आइलैंड देखने हैं, क्योंकि आइलैंड पर काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है। और जिन पॉइंट्स को देखने की परमिशन है गवर्नमेंट के थ्रू, हम सिर्फ वही पॉइंट्स देख सकते हैं। तो हमने ऐसे ही किया। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉगर मानसी। बाय।